नगीना नगर पालिका परिषद द्वारा वृहद स्तर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के चलते नगर पालिका अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल सिंह और खाद्य निरीक्षक धीरज राय वर्मा टीम के साथ MM इंटर कॉलेज पहुंचे और कॉलेज के छात्र छात्राओं को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर कॉलेज प्रबंधक पूर्व चेयरमैन शेख खलीलुर रहमान अमित गुप्ता भी मौजूद रहे। नगीना से कृष्ण प्रताप शर्मा की रिपोर्ट। ये नीला और हरा डब्बा ही हमारे आने वाले घर को सुरक्षित बनाएगा। तो मेरा इन सभी बच्चों से, सभी गार्जियन से, हमारे मेंबर साहब हैं, उन सभी से अनुरोध है कि कृपया आप भी अपने वार्ड में जा करके लोगों को ये जागरूक करें, बताएं कि अपने घरों में डब्बा एक एक जरूर रखें। और जब भी नगर पालिका की गाड़ी आएगी, ट्रैक्टर ट्राली आएगी, थैली आएगी, वो कचरा उनको दे दें, ठीक है। तो हमने चाहते हैं कि घर में से ही गीला सूखा कचरा अलग अलग हो जाए। और इतनी सी बात बतानी है आपको कि घर में ही, अपने घर में ही गीला और सूखा कचरा आपको अलग अलग हमारे सफाई कर्मचारी को देना, इतनी सी बात है। वो कूड़ा अगर सफाई कर्मचारी की हमारी हमारी गाड़ी भी निकल जाती है नगर पालिका की, किसी कारणवश आप नहीं दे पाते हैं, तो उसको सड़क पर न डाले, अगले दिन दे दें। दोपहर में गाड़ी आएगी, शाम को गाड़ी आएगी, गाड़ी तीन समय सब रही है इस समय। हमें सफाई पर ध्यान देना चाहिए, कूड़े को डस्टबिन में डालना चाहिए, घरों को साफ रखना चाहिए, अपने आप को साफ रखना चाहिए, क्योंकि सफाई से बीमारियां नहीं फैलेंगी और कोई बीमारी भी नहीं होगी। साथियों नमस्कार, मैं नगर पालिका परिषद से धीरज वर्मा और आप सभी का इस अवसर पर स्वागत करता हूँ, क्योंकि विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक राष्ट्रीय लक्ष्य है कि स्वच्छ भारत मिशन, जिसके तहत हमें सभी को अपनी जिम्मेदारियों को पहचानना है। मूल रूप से कूड़ा गंदगी जो हमारे घरों से ही निकलती है, उसे पहचान कर आइडेंटिफाई करना है कि हमें कूड़े का सेग्रीगेशन यानी पृथकीकरण अलग अलग कैसे करना है, क्योंकि आप सभी बच्चे घर के भविष्य हैं और आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।